आपको मिल जाता है, तो देखते हैं डिवाइस कैसा है। और सबसे पहले डिवाइस पे ही नजर डालेंगे, वैसे बॉक्स में ज्यादा कुछ चीजें है नहीं। So, ये रहा हमारा डिवाइस, हमारा Z Flip 4, जो कि आप देख सकते हैं गोल्डन कलर में है मेरे पास और एक्चुअल में काफी क्यूट सा लग रहा है। और ये हमने फ्लिप कर दिया इसको, मतलब एक्चुअल में ना अलग से डिवाइसेस जो होते हैं ना उनको तो अनबॉक्स करने में, यूज करने में एक अलग से एक्साइटमेंट बनी रहती है। अब फटाफट से इसको करती हूँ सेटअप और आपको बताती हूँ कि डिवाइस में हमें क्या क्या मिलता है। सर, डिवाइस को भी मैंने सेटअप करने के बाद थोड़ी देर यूज कर लिया था और सबसे पहले तो मैं बात करूं, ये जो गोल्डन कलर है ना इसमें मुझे ये डिवाइस काफी प्यारा लगा। जब मैं इसको खरीदने के लिए गई थी तो वहां पे मैंने देखा था कि पर्पल कलर में अवेलेबल था और पर्पल कलर में आपको बताऊं मुझे तो देखने में अच्छा नहीं लगा, लेकिन गोल्डन कलर में बहुत ही क्यूट सा लग रहा है डिवाइस। वैसे इसकी जगह अगर व्हाइट कलर में होता ना तो उसमें बहुत ही क्लासी लगता, लेकिन गोल्डन में भी प्यारा लग रहा है। अब एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, जैसे मैं इस डिवाइस को भी थोड़ी देर यूज किया मैंने और मैं अपने फ्रेंड्स को भी दिखाया, मैंने उनको भी कहा कि बताओ कैसा लग रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या ना ये जो डिवाइस है ना ये बहुत ही ज्यादा गर्ली डिवाइस है, मतलब लड़कियों के लिए ही है डिवाइस, कॉम्पैक्ट साइज में है। और मैं आपको बताऊं एक्चुअल में जो कॉम्पैक्ट होता है ना, जैसे मतलब आप जिन लोगों को नहीं पता, लड़कियां जो फेस पाउडर लगाती है ना कॉम्पैक्ट कहते हैं उसको, वो मतलब ऐसे ही होता है कि ऐसे आपने निकाला अपना यहाँ पे आपने टचअप किया और बंद करके रख दिया, बिल्कुल वैसे ही लुक आ रही है कॉम्पैक्ट वाली ही यहाँ पे। और लड़कियों के लिए तो एक्चुअल में देखने में डिवाइस काफी अट्रैक्टिव लुक का लग रहा है। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को दिया था, जैसे कुछ लड़कों को भी दिया था यूज करने के लिए कि पूछा कैसा लग रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि पॉकेट में डालने में काफी ऑकवर्ड सा लग रहा है, एक्चुअल में फ्लिप होने के बाद ये हमारा बहुत ही थिक हो जाता है, तो लड़कों को यहाँ पे ऑकवर्ड लग रहा था लेकिन लड़कियों के हिसाब से तो काफी क्यूट सा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि डिवाइस एक्चुअल में आपको ये कैसा लगा। इसके साथ ही वैसे डिवाइस के अगर मैं बिल्ड की बात करूं तो यहाँ पे हमें मिल जाती है ग्लास बॉडी, उसके साथ एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग। और डिवाइस जो है साइज वाइज अगर मैं बात करूं, ये हमारा फ्लिप 4 है और ये है मेरा फ्लिप 1, और दोनों के अगर आप साइज को देखोगे यहाँ पे आपको दोनों के अंदर सेम साइज मिलता है, सेम थिकनेस मिल जाती है और मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। हालांकि बस ये है कि 1 जो था हमारा उसके अंदर ना कॉर्नर्स और एजेस जो है थे हमारे वो कर्व्ड थे, थोड़े से गोल थे, यहाँ पे हमें थोड़ी बॉक्सी लुक देखने को मिल जाती है। उसके अलावा वैसे डिवाइस के अंदर यहाँ पे हमारे पास मैट फिनिश आती है जिसमें बैक साइड में आपके कोई यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स नहीं पड़ेंगे, तो प्रीमियम लुकिंग डिवाइस है हमारा, जिसमें आप यहाँ पे बीच में देख सकते हैं हिंज पे सैमसंग की बैजिंग आपको मिलती है और डिवाइस काफी क्यूट लग रहा है देखने में। इसके साथ डिवाइस के अंदर आपको यहाँ पे IPX8 रेटिंग मिल जाती है, जिसमें आप मतलब हल्का फुल्का पानी पे डिवाइस पे अगर पड़ता है तो डिवाइस बच जाएगा। साथ ही डिवाइस के अंदर आपको 5G सपोर्ट मिल जाता है, वो भी 16 बैंड्स में। इसके साथ नीचे की साइड आप देख सकते हैं आपको स्पीकर ग्रिल के साथ टाइप सी पोर्ट मिलता है, साथ ही हमारा माइक है, ऊपर की साइड में आपको सेकेंडरी माइक मिल जाता है, राइट साइड में पावर बटन है जिसके अंदर आपका फिंगरप्रिंट लॉक आता है और काफी फास्टली हमारा डिवाइस ये अनलॉक कर पा रहा है। उसके ऊपर आपको मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर्स, लेफ्ट साइड में हमें मिलती है सिम ट्रे जिसमें आपको सिंगल सिम डालने की ऑप्शन मिल जाती है। डिवाइस का जो वेट है हमारा वो अप्रॉक्सीमेटली 188 ग्राम्स का है, एक हाथ से आप इसको होल्ड कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जिनको अब फ्लिप करना है उसके लिए तो आपको दो हाथों का इस्तेमाल यहाँ पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक हाथ से करोगे ना तो आपका जो थंब है उसका जो नाखून है, अंगूठे का नाखून, अगर स्क्रीन पे कहीं जोर की लग गया तो आपकी जो स्क्रीन है ना ये डैमेज हो जाएगी। एक्चुअल में फोल्ड जो डिस्प्ले होते हैं हमारे वो काफी डेलिकेट से होते हैं, बेटर तो यही रहेगा कि दो हाथों का आप इस्तेमाल करो, क्योंकि अगर ये डिस्प्ले डैमेज होता है तो काफी कॉस्टली आते हैं ये डिस्प्ले, ये पहले ही मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके साथ इस डिवाइस के अंदर आपको बैक साइड में देख सकते हैं कि डुअल कैमरा सेटअप आपको मिलता है, साथ ही फ्लैश है और उसके साथ आती है हमारे यहाँ पे एक अलग से स्क्रीन, कवर स्क्रीन कहते हैं इसको, और इसके अंदर आपको 1.9 इंच का डिस्प्ले मिलता है सुपर एमोलेड पैनल के अंदर, जिसमें आपको कई सारे शॉर्टकट्स लगाने की यहाँ ऑप्शन मिलती है, मतलब आपके डिवाइस पर अगर कॉल आती है, मैसेज आता है तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और फ्रंट साइड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मिल जाता है 6.7 इंच का लॉन्ग डिस्प्ले, काफी लंबा सा डिस्प्ले है इसका हमारा, और इसके अंदर आपको बीजल्स काफी कम मिलते हैं, चिन साइड भी हमारी कम है, और उसके साथ सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है पंच होल डिजाइन के अंदर, साथ ही स्क्रीन गार्ड भी आपको यहाँ पे लगा हुआ मिलता है। इसके साथ जैसे कि ये हमारा फ्लिप फोन है तो इसका जो हमारा डिस्प्ले है उसके बीच में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक क्रीज जो मिलती है, मतलब जो डेंट कह सकते हैं आप इसको, जो मिलता है
फ्लिप वन से अगर कंपेयर करूं तो अभी आप देख सकते हो कि अभी ना ज्यादा गहरा आपको यहाँ पे डेंट देखने को मिल रहा है। मतलब वैसे देखा जाए तो अब 2 साल पुराने फोन से मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ तो अभी ये होना चाहिए था कि डेंट मिलना ही नहीं चाहिए था, विजिबिलिटी और कम हो जाती, लेकिन अब आप इस डिवाइस को अगर यूज करोगे तो आपको काफी ज्यादा गहरा डेंट फील होगा यूज करने में भी, और दिखता भी है ये हमारा, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग तो है। अब इसके अलावा डिवाइस के डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6.7 इंच का हमारा डायनेमिक एमुलेट 2x डिस्प्ले आपको मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जिसमें आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन मिलती है। अब डिस्प्ले के अंदर एक चीज मुझे ठीक नहीं लगी, मतलब आप जैसे इस डिवाइस के डिस्प्ले को आप कहीं आउटसाइड में जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, मैंने यहाँ पे अडैप्टिव ब्राइटनेस को ऑन करके मैं बाहर गई तो यहाँ पे ना डिस्प्ले जो है वो डल लगेगा, ब्राइटनेस आपको कम लगेगी, लेकिन यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन मिल जाती है एक्स्ट्रा ब्राइटनेस की, उसको आप ऑन करेंगे तो डिस्प्ले में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, विजिबिलिटी आपको अच्छी वाली मिल जाती है, काफी ज्यादा ब्राइट हो जाता है डिस्प्ले हमारा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जब भी आपको सनलाइट में जाना पड़ेगा ना तो आपको इसको मैनुअली जाके ऑन करना पड़ेगा, मतलब ये ऑटो ऑन नहीं होता, जैसे हमारा अडैप्टिव ब्राइटनेस वाला तो अपने आप ऑन हो जाता है जैसे आप धूप में जाओगे या आप डार्क रूम में आओगे, तो वो एक बेनिफिशियल चीज है। अब यहाँ पे आपको बार बार ना खुद ऑन करना पड़ेगा और खुद कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इंडोर में आओगे तो ये काफी ज्यादा चुभने वाली ब्राइटनेस है, तो आपको उसको बंद करना पड़ेगा, और अगर आप इसको ऑन ही रखते हो तो आपकी बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम होगी, ऑलरेडी डिवाइस के अंदर बैटरी कम है, तो वही बात है ना, जब भी आप धूप में जाओगे आप इसको ऑन करोगे, वापस आओगे आप ऑफ करोगे। मेरे हिसाब से ये एक ऑटो सेटिंग्स में होना चाहिए था, अडैप्टिव के साथ ही होता तो ज्यादा बेटर रहता। अब इसके साथ वैसे डिवाइस का जो डिस्प्ले हमारा काफी ब्राइट है, मतलब कंटेंट देखने में आपको यहाँ पे मजा आएगा, आप देख सकते हैं बढ़िया पंची कलर्स आपको मिलते हैं, अच्छे आपको व्यूइंग एंगल्स मिल जाते हैं, कंटेंट देखने में आपको मजा आएगा, मूवीज वीडियोस को आप एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन जो कई लोगों का आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस का जो डिस्प्ले मैं आपको कह रही हूँ कि लॉन्ग डिस्प्ले है, लंबा डिस्प्ले है, यहाँ पे अगर आप 16:9 वाला कंटेंट देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि साइड से भी आपकी जो स्क्रीन है वो पूरी ब्लैक हो जाएगी, मतलब यहाँ पे ना एक्चुअल में डिस्प्ले लंबा होने की वजह से थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। इसके अलावा वैसे डिवाइस के अंदर जैसे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो काफी स्मूथ लगेगा आपको, यहाँ पे बढ़िया तरीके से आप इसको एंजॉय कर सकते हो। इसके साथ डिवाइस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑडियो आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँ ऑडियो आउटपुट मुझे उतना लाउड नहीं लगा, सारी टेस्टिंग करने के बाद आगे आपको बताऊंगी मैं रिव्यू के अंदर, अभी तो मुझे इनिशियली इतना लाउड नहीं फील हुआ। डिवाइस की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहां पे डिवाइस के अंदर हमें मिल जाता है लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर जो कि है हमारा Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, साथ ही आपको One UI 4.1.2 मिल जाता है जो कि बेस्ड है हमारे Android 12 पे। आप देख सकते हैं मैंने डिवाइस का एंटू टू टेस्ट रन किया था जिसके अंदर हमारा जो स्कोर है 8.5 लाख के पास ही आया। अगर हम 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर्स की बात करें, जितने भी डिवाइसेस के अंदर मैंने टेस्ट किया है उनके अंदर तो मिलियन प्लस हमें मिल जाता है स्कोर, तो यहाँ पे स्कोर आपको कम देखने को मिलता है। और मैं आपको बताऊं जो सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट जो मैंने डिवाइस का रन किया उसमें तो काफी ज्यादा खराब हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिली, मतलब सीरियस थ्रॉटलिंग इशू आपको डिवाइस के अंदर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं 52% हमारा स्कोर आया, आपने कई जगह पे देखा होगा कि ग्राफ ग्रीन दिख रहा है, लेकिन पूरे 15 मिनट का अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो पता चलेगा कि कितना आगे जाके रेड में जाता है, और उसमें आपको यहाँ पे मेजर थ्रॉटलिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा वैसे डिवाइस के अंदर हीटिंग मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिली, लेकिन जैसे जनरली भी मैं यूज़ कर रही हूँ डिवाइस को, और या फिर अगर आप यहाँ पे कोई थोड़ा सा भी हैवी की साइड पर टास्क करते हैं तो थोड़ा डिवाइस हमारा वार्म हो रहा है। इसके साथ अब गेमिंग के लिए तो ये डिवाइस मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी, मतलब गेमिंग के लिए देखा जाए वैसे आपको अब कॉल ऑफ ड्यूटी अगर खेलते हैं तो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप खेल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या है ना कि एक्साइटेड होके ना बंदे को क्या होता है कि कई बार ना नेल जोर की लग ही ना जाए ज्यादा एक्साइटमेंट में आके, तो इसीलिए गेमिंग के लिए तो मैं इसको ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि जो इसका डिस्प्ले है काफी डेलिकेट सा होता है। इसके अलावा वैसे देखा जाए तो जैसे टेस्टिंग के अंदर भी इसके अंदर स्कोर हमारा कम आया है और थ्रॉटलिंग भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो गेमिंग के अंदर आपको मतलब हैवी टास्क करने में कोई और भी हैवी टास्क करते हो तो आपको यहाँ पे थ्रॉटलिंग इशू देखने को मिलेगा, हो सकता है आपका डिवाइस लैग करे हैंग करे। वैसे नॉर्मली यूज़ करने में अभी जैसे मैंने इसको यूज़ किया जब से इसको सेटअप करा हुआ है मैंने, तो मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिली। अब आगे जाके देखना पड़ेगा कि कुछ दिन यूज़ करने के बाद कि नॉर्मली यूज़ करने में भी कोई इशू आता है या नहीं, लेकिन आपको सब कुछ बताऊंगी रिव्यू के अंदर। इसके साथ वैसे डिवाइस के अंदर आपको नॉक सिक्योरिटी मिल जाती है, और स्टोरेज की मैं बात करूं तो UFS 3.1 की स्टोरेज है, LPDDR5 की रैम है।
अब इसके साथ जो एक सबके दिमाग में बड़ा सवाल है उसकी बात कर लेते हैं कि डिवाइस की बैटरी। यहाँ पे डिवाइस के अंदर आपको बैटरी जो है ज्यादा नहीं मिलती, 3700 mAh की मिलती है। अब देखा जाए तो डिवाइस का जो डिस्प्ले है हमारा बड़ा डिस्प्ले है 6.7 inch का। उसके बाद अगर आप इसके अंदर एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को ऑन करते हैं तो वो बैटरी को ज्यादा कंज्यूम करेगा। उसके बाद जो हमारा ये बैक साइड में कवर डिस्प्ले आता है, इसके अंदर भी आपके जब भी नोटिफिकेशंस आएंगे तो यहाँ पे बार बार आपकी यहाँ पे लाइट ऑन होगी और ये भी बैटरी कंज्यूम करेगी। तो उस हिसाब से मुझे भी यहाँ पे लग रहा है कि बैटरी मतलब बड़ा डाउट है यहाँ पे कि एक दिन निकाल पाएगा डिवाइस या नहीं। वैसे मैं आपको बताऊँ, अभी जितना भी मैंने यूज़ किया तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ी बैटरी थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। बाकी टेस्टिंग में सब कुछ पता चलेगा, रिव्यू में आपको सब कुछ पता चलेगा। अब इसके साथ डिवाइस की अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ तो आपको यहाँ पे मिलता है 25 watt की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। थोड़ा सा कम लगेगा लेकिन बैटरी भी कम है तो देखेंगे कितना टाइम लगता है एक्चुअल में चार्ज होने में। लेकिन उसके अलावा एक ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप इस जैसे फ़ोन को खरीदते हैं तो अगर आप चार्जर भी खरीदते हैं आपके पास नहीं है तो ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि शॉपकीपर आपको ना 45 watt फास्ट चार्जर जो है उनका वो चिपकाने की कोशिश करे, क्योंकि उसका क्या फ़ायदा, सपोर्ट तो आपको 25 का ही मिलना है। तो ध्यान रखना, वो थोड़ा कॉस्टली है, बेटर रहेगा 25 सपोर्ट है तो 25 ही चार्जर आप खरीदना, शॉपकीपर की बातों में मत आना। इसके अलावा वैसे वायरलेस चार्जिंग का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। और उसके साथ अब बात करें अगर हम डिवाइस के यहाँ पे कैमरास के बारे में, तो कैमरास मुझे एक्चुअल में इसके काफ़ी इंप्रेसिव लगे। मतलब बैक में आपको यहाँ पे मिलता है 12x12 megapixel का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में आपको मिलता है यहाँ पे 10 megapixel का सेल्फी कैमरा। कैमरा के पिक्स पे देखने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा बैक कवर का डिस्प्ले है ना, इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाता है। मतलब अगर आप अपने पावर बटन को डबल क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे कैमरा ऑन हो जाएगा। यहाँ से मतलब आप अपने बैक मेन कैमरा से ही सेल्फीज क्लिक कर सकते हो, वाइड एंगल सेल्फी पोर्ट्रेट मोड में, या वीडियो क्लिक करनी हो तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो काफी बेनिफिशियल चीज लगी मुझे ये। इसके साथ आप पिक्स की बात कर ही लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैक कैमरा से मैंने पिक्स क्लिक करी थी, अल्ट्रा वाइड मिलता है आपको और वाइड मिलता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिटेलिंग आपको अच्छी मिल रही है, डायनेमिक रेंज आपको काफी अच्छी मिल रही है। कलर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि सेचुरेशन थोड़ा बड़ा हुआ है, अपीलिंग पिक्स मिल जाती है। मतलब आपके बैक में अगर क्लाउड्स आ रहे हैं ना तो उनको भी कैप्चर कर पा रहा है, अल्ट्रा वाइड में भी कैप्चर कर पा रहा है और उसमें भी आपको डिटेलिंग काफी अच्छी वाली देखने को मिल जाती है। बुके मोड के अंदर एज डिटेक्शन हमारा अच्छा आ रहा है, बैकग्राउंड ब्लरिंग को काफी अच्छे से कैप्चर कर पा रहा है, मतलब एक अच्छा वाला पोर्ट्रेट इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेल्फी कैमरा के अंदर भी आप देख सकते हैं कि वाइड एंगल सेल्फीज ले सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड में भी वाइड एंगल सेल्फीज ले सकते हैं और उसके अंदर भी आपको एज डिटेक्शन अच्छा मिल रहा है, एक्सपोजर को अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है, डायनेमिक रेंज हमें अच्छी मिल जाती है। तो मतलब एक्चुअल में पिक्स की मैं बात करूं तो फ्रंट एंड बैक दोनों से मुझे काफी अच्छा यहां पे इंप्रेसिव रिजल्ट मिला। अब वीडियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे बैक कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 and 60 FPS पे, जिसमें आपका जो OIS है ना वो एक्चुअल वाला काम कर रहा है। मैं पहले भी बताती हूँ, जो आप जैसे A सीरीज के हमारे जो सैमसंग के फोन होते हैं और ये हमारी फ्लैगशिप सीरीज है, इनमें काफी डिफरेंस होता है। वो जो A सीरीज वाला देते हैं ना वो बस नाम का ही होता है, उसके अंदर EIS ऑन हो जाता है और वो आपको वो इफेक्ट नहीं दे पाता। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो वीडियो है वो काफी स्टेबल आपको लगेगा, अच्छी क्वालिटी का लगेगा, अच्छी डिटेलिंग का लगेगा, डायनेमिक रेंज यहाँ पे भी अच्छी आ रही है, कलर्स भी अच्छे आ रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं कितनी सही वाली आपको यहाँ मिल जाती है। तो OIS यहाँ पे हमारा ठीक तरीके से काम कर रहा है। इवन सेल्फी कैमरा का वीडियो भी आप देख ही रहे हैं कि उसके अंदर भी आपको स्टेबलाइजेशन काफी अच्छा वाला मिल जाता है और उसके अंदर भी स्किन टोन डिटेलिंग हमारी काफी सही वाली कैप्चर कर रहा है। तो कैमरा वाइज तो मुझे डिवाइस ही काफी सही लगा। तो गाइस ये था हमारा डिवाइस, हमारा Z Flip 4, जो कि देखा जाए अगर आपको अपनी मम्मी को देना है, अपनी सिस्टर को देना है, अपनी गर्लफ्रेंड को देना है, अपनी वाइफ को देना है तो उनको बहुत ही पसंद आएगा, काफी क्यूट सा डिवाइस है ये हमारा। इसके साथ वैसे मैं इसको आगे टेस्ट करूंगी, बैटरी बैकअप जो एक बड़ा सवाल है, मैं अच्छे से आपको टेस्ट करके बताऊंगी बैटरी बैकअप कैसा निकल के आता है और नॉर्मल यूजेज में भी डिवाइस हमारा कहीं लैग करता है या नहीं करता। वैसे हैवी टास्क के लिए तो ये डिवाइस हमारा नहीं है, लेकिन काफी क्यूट और काफी प्यारा लगा मुझे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये फोन कैसा लगा। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।